आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। प्रशासन एवं फल फ्रूट व्यापारियों की दुकानों को विस्थापित करने पर आपस में तकरार। जुबट के पुराने बस स्टैंड पर फल फ्रूट के दुकानों को आज नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा हटाने को लेकर व्यापारी और प्रशासन के बीच चली बहस। प्रशासन का कहना है, इसके पूर्व भी कई बार दुकानदारों को समझाइश दी गई थी कि दुकानें नियत स्थानों पर लगाएं ताकि यातायात व्यवस्था ना बिगड़े, परंतु इसके बावजूद भी व्यापारियों द्वारा सड़क की दोनों ओर इतनी जगह घेर लेते हैं कि आए दिन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। आज मुख्य नगर पंचायत CMO आरती खेड़ेकर एवं नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल द्वारा सड़क के दोनों ओर लाइन डलवाकर व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि शासन की गाइडलाइन अनुसार ही दुकानें लगने की, नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर सारे व्यापारी भड़क उठे और कहा कि हमारी दुकानें वर्षों से लग रही हैं, हम दुकानें नहीं हटाएंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर ही दुकान लगाएंगे। इसी बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन द्वारा कहा गया कि आने वाले 2 से 4 दिनों में सारी व्यवस्था कर सभी को उचित जगह देकर सारी समस्या का हल निकाल लिया जाएगा ताकि व्यापारियों का व्यापार भी चले और यातायात में भी परेशानी न हो। देखते हैं आगे क्या होता है, व्यापारियों और प्रशासन के बीच सामंजस्य होता है या कुछ और, यह आने वाला समय बताएगा। जोबट से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। डिसीजन तो LPM मुंडे द्वारा ही लिया जाएगा। अभी जो निर्देश हुआ है कि व्यवस्थित चुना लाइन डाल के और रोड के नीचे सुरक्षित दुकानें लगवाई जाए और एक दो दिन बाद प्लान करेंगे किस प्रकार से जहाँ जो भीड़ भाड़ है उसको नियंत्रित करते हुए कहाँ पार्किंग की व्यवस्था और कहाँ इन दुकानों को व्यवस्थित लगवाया जा सके ताकि छोटे दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित ना हो।